मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने पिछले दिनों बड़ी कार्रवाई कर गांजा चरस बरामद किया था। उसी तरह सूचना के आधार पर अमृत नगर के मुस्कान बिल्डिंग में छापेमारी कर 29 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया है। मुंब्रा पुलिस के NDPS की टीम ने जब इसकी सूचना मिली तो उसके बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ के मार्गदर्शन में API क्षीरसागर, PSI महत्रे, पुलिस कांस्टेबल उदय कृपन, मयूर लोखंडे कैलाश, योगेश क्षीरसागर, रवि जाधव, अनिल मोरे, हवलदार बांगर, अमृत नगर के मुस्कान इमारत के तीसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 301 पर छापेमारी कर इस दौरान यहां से 29 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया है। साथ ही पैकिंग की थैली, कैंची, स्टेपलर भी बरामद किया है और 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है जिसमें एक महिला भी शामिल है। खोल जल्दी। फोन रखे गया। चल बेटा जल्दी बाहर निकलो। जितना बोला उतना करने का। बाहर निकल। ओला ओ सब इधर आ। ये उठा सब। चल उठा ये जल्दी। ए इधर आ रे। मुख्य आरोपी का नाम मुश्ताक अबू बकर नकवा है। इसके अलावा स्टार चौधरी, आफ्ताब हुसैन सैयद, मोहम्मद रियाज, मुंसिर पापा शेख और महिला का नाम इरम खातून बताया जा रहा है। ये सभी मुंब्रा के रहने वाले हैं। मुंब्रा पुलिस की ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये गांजा ये लोग विशाखापट्टनम से लेकर आते थे और मुंब्रा शहर में इसकी सप्लाई किया करते थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। इस काम में इस्तेमाल होने वाली पिकअप भी बरामद कर ली गई है। वहीं आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है कि इस मामले में और भी कुछ लोग शामिल हैं या नहीं है और आशंका ये भी जताई जा रही है कि कुछ गांजा और भी बरामद हो सकता है क्योंकि पुलिस अभी इस मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल पुलिस इन 6 आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई कर इन्हें सलाखों के पीछे भेज दी है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।